अगर आपके पास Redmi Note 11 Pro Plus 5G या Poco X4 Pro 5G है और आपको जानना है कि HyperOS का नया अपडेट के बाद फ़ोन कैसा परफॉर्म कर रहा है, हीट हो रहा है कि नहीं, पूरा एक्सपीरियंस जानना है, वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखो। पसंद आता है लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला है चार्जिंग टेस्ट, जो कि ये फ़ोन के साथ जो 67 वाट का चार्जर आता है उसी के साथ चार्ज किया गया है, और आपका 1225 में जो है 87% था और चार्ज आपका 100% होने में 12:40 लग गया। तो समझ लीजिए कि आपको जो है वही सिमिलर टाइमिंग ही लग रहा है चार्ज होने में, और 0 to 100 आपका 53 to 54 मिनट में हो जाएगा, और फ़ोन चार्जिंग होते हुए हीट नहीं हो रहा है और चार्ज उतना ज़्यादा जल्दी डिस्चार्ज भी नहीं हो रहा, बैटरी ड्रेन का इशू अपडेट के बाद नहीं है। तो काफ़ी अच्छा बात है कि चार्जिंग स्पीड भी जैसा था वैसे ही एक दो मिनट इम्प्रूवमेंट देखने को मिला होगा, और आपका बैटरी ड्रेन भी नहीं हो रहा है और फ़ोन हीट भी नहीं हो रहा चार्ज होते हुए, और यूज़ करते हुए भी फ़ोन हीट नहीं कर रहा है। तो बैटरी रिलेटेड इशू HyperOS का नया अपडेट में Redmi Note 11 Pro Plus 5G या अगर आपके पास Poco X4 Pro 5G है तो ये इश्यूज़ नहीं आएगा, जैसा था वैसे ही है, इवन आपका बेटर हो चुका है। उसके बाद Geekbench का टेस्ट करते हैं, और इसका पहले जो टेस्ट था वो उसका जो है मतलब हिस्ट्री गायब हो चुका है क्योंकि ऐप मैं अनइंस्टॉल कर चुका था, बट हाँ देख लो चार्जिंग परसेंट, क्योंकि इससे स्ट्रेस आएगा फ़ोन में, तो देख लो 99% चार्ज था। और करते हैं रन टेस्ट Geekbench 6 का, और इसमें ऑब्वियसली फ़ोन गर्म भी होता है। अब गर्म होता है कि नहीं आपको जो है रन कर लेने के बाद बताते हैं। तो देखो जैसे ही Geekbench का टेस्ट करने के बाद गर्म नहीं हुआ, प्रॉपर रन हुआ, और मल्टी और सिंगल कोर दोनों स्कोर्स देख लो, अगर आपके पास पहले का हिस्ट्री है तो आप मिला सकते, बट मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो आपका सिंगल कोर आपका 803 और मल्टी कोर 1600 है, तो ठीक ही ठाक है, 1700 ऑलमोस्ट है। तो ये आपका मल्टी कोर और सिंगल कोर स्कोर, और ये आपका GPU का जो है स्कोर है, जो कि आप देख सकते हैं आपका 1389 है। तो अगर आपके पास हिस्ट्री है तो आप चेक कर सकते हैं, और ये गेमिंग टेस्ट छोटा सा गेमिंग टेस्ट है, देख लो अब अगर लैग करना हो तो कर जाता है। और ये अभी ग्राफिक सेटिंग्स है आपका HD, तो HD में आपको देखने को मिल जाता है HD और हाई में, उससे ऊपर तो ये सपोर्ट नहीं करता है, तो HD और हाई में चल रहा है, और ऑलमोस्ट आपको 4950 या वैसे ही मतलब 45 to 50 आपको FPS देखने को मिल जाएगा कॉन्स्टेंट, और फ़ोन गर्म भी नहीं हो रहा है और बैटरी भी ड्रेन नहीं कर रहा, तो काफ़ी अच्छा जो परफॉर्मेंस रहेगा। अगर आप में गेम भी खेलिएगा तो गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपको HyperOS का नया अपडेट के बाद अच्छा ही है, ख़राब नहीं है। PUBG ठीक चल रहा है, जेंशन इम्पैक्ट भी ठीक चल रहा है, और आपका जो है स्ट्रेस तो जो है CPU थ्रॉटल 11 मिनट के लिए रन किया गया है, और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है HyperOS का नया अपडेट के साथ। देख सकते हैं CPU थ्रॉटल टू 93% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस, जो कि काफ़ी अच्छा है, 93% थ्रॉटल किया है, मतलब उसे नीचे किया नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो है 10 मिनट में मतलब बहुत सारा जो डिवाइस है, नया डिवाइस भी 70% 80% पर रहता है, तो ये इतना पुराना होने के बाद भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और मैं ऑलरेडी काफ़ी सारा टेस्ट इसमें कर चुका हूँ, उसके बाद ये कंडीशन है फ़ोन का, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है HyperOS का नया अपडेट के बाद। और लास्ट है आपका Antutu स्कोर, तो Antutu स्कोर में आप देख सकते हैं ये आपका जो स्कोर है आपका 3,37,43,54। तो अगर आपके पास इसका भी हिस्ट्री है तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं सभी का हिस्ट्रीज, और मैच कर सकते हैं कि आपका जो इम्प्रूव हुआ है कि नहीं, बट मेरा एक्सपीरियंस कि फ़ोन पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। अगर आप ऑब्वियसली हमें भी 14 यूज़ कर रहे थे, और HyperOS का अगर अभी तक आपको अपडेट नहीं मिला है तो जैसे मिलेगा आप खुश हो जाइएगा, क्योंकि अपडेट सही में अच्छा है, बैटरी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, चार्जिंग अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्ट्रेस टेस्ट एकदम मतलब थ्रॉटल करेगा ही नहीं CPU, और GPU भी अच्छा स्कोर्स के साथ है, तो ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अपडेट कर लो जैसे ही आ रहा है, तुरंत करो और बताओ कैसा लगा आपको, आपका एक्सपीरियंस कैसा है अपडेट करने के बाद। पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और ऐसा वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।